इस पूरे वर्ल्ड पे मेरे पास सिर्फ एक ब्लॉग है, लेकिन ये ऐसा वैसा ब्लॉग नहीं है। ये है वन मनी ब्लॉग, और इस मनी ब्लॉग पे मुझे बहुत सारे रेयर आइटम्स मिलने वाले हैं। लेकिन कौन से रेयर आइटम मिलेंगे मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। और आज के लिए मेरे पास काफी सारे गोल्स हैं। सबसे पहले तो मुझे एक डायमंड का आर्मर बनाना है, वो भी फुल सेट, उसके साथ उसके वेपन्स भी बनाने हैं। खुद के रहने के लिए एक घर बनाना है और एक छोटी सी फार्म भी बनानी है। तो देखते हैं कि क्या हम इन सारे चैलेंजेस को कंप्लीट कर भी पाते हैं या फिर नहीं। वैसे मैं कुछ देख रहा हूँ, आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब तो किया ही नहीं है। तो यार ऐसा मत करो, लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, फ्री का होता है वो। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई न्यू गेम खेलूं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना यार। वैसे फालतूगिरी मैंने काफी ज्यादा कर दी, तो चलो यार गेम के ऊपर चलते हैं। ओके तो गाइस अभी इस मनी ब्लॉक को हम लोग माइन करते हैं। ओ डायमंड था भाई उसके अंदर, भाई गिर गया। मेरे को सबसे पहले इस चेस्ट के अंदर देखना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास 11 डर्ट है और कुछ सैपलिंग्स वगैरह है, एंड वाटर है, एंड ये कुछ बुक है। बट फिलहाल के लिए मुझे लगा कि यहाँ पे डर्ट लगाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है सामान को बचाने के लिए, तो मैं यहाँ पे फटाफट से डर्ट लगा देता हूँ। डर्ट लगाने के बाद भारी थी कि यहाँ पे मैं कुछ सैपलिंग्स वगैरह है ये लगा दूं। So, यहाँ पे जो मेरे पास दो सैपलिंग्स वगैरह थी वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अभी हमारे पास कोई काम नहीं है तो मैंने सोचा कि यार इस मनी ब्लॉक को ही माइन कर लेते हैं। और जब मैंने इसकी माइनिंग स्टार्ट करी तो भाई मैं शॉक हो गया, क्योंकि इससे मुझे बहुत सारे रेयर आइटम्स मिल गए। अब जब मेरे पास आयरन की पिकेक्स आ गई थी तो मेरा बस यही काम था माइनिंग करना, और भाई माइनिंग करते हुए मुझे बहुत सारे रेयर आइटम्स मिले। मतलब यार मेरे को लगा ही नहीं था कि इतने रेयर आइटम्स मुझे यहाँ पे मिल सकते हैं, लेकिन ये मनी ब्लॉक है और इसके अंदर मुझे इतने सारे आइटम्स मिल गए। बहुत सारे आइटम्स तो नीचे भी गिर रहे थे, बट मेरे पास कुछ लगाने के लिए नहीं था, तो मैंने यहाँ पे पता नहीं रॉ आयरन था तो मैंने इसको लगा दिया। और फिर से मैं चला गया यहाँ पे माइनिंग करने के लिए। माइनिंग करते हुए मुझे और भी कई सारे सामान मिले, बट इस मनी ब्लॉक के नीचे मुझे कुछ दिखा था, तो मैंने यहाँ पे वाटर बकेट लगा दिया इससे नीचे जाने के लिए। और जब मैं इसके नीचे गया तो भाई अलग ही सीन था, वाटर बहुत कम था, तो नीचे नीचे आते हुए मैं यहाँ पे मर गया। रिस्पॉन होने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि अब सिर्फ मुझे माइनिंग करनी है, और मैं चला गया फिर से माइनिंग करने के लिए। और माइनिंग करते हुए मैं यहाँ पे गोल्डन कैरेट मिल चुका था, और बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ पे मिल रही थी, चेस्ट मिल रही थी, एमरल्ड मिल रहे थे, और खाने के कई सारे सामान मुझे यहाँ पे मिल ही रहे थे, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे डायमंड की चीजें मुझे मिल रही थी। मेरे को लगा था कि यार मुझे खुद से बनाना पड़ेगा डायमंड का आर्मर वगैरह, बट यहाँ पे तो फ्री में मिल रहे हैं यार, तो मैंने सोचा कि यार चलो यार माइनिंग तो चलनी ही चाहिए अपनी। और डायमंड के मुझे काफी सारे आइटम्स मिल चुके थे, तो मैंने यहाँ पे इन चीज को लगा दिया, और जो मेरा हाफ आर्मर था वो लगभग रेडी हो ही चुका था। और यहाँ पे मैंने जो बाकी की सामान थी उनको यहाँ पे रख दिया, और फिर से मैं चला गया यहाँ पे माइनिंग करने के लिए। और माइनिंग करते हुए मुझे काफी सारे अच्छे आइटम्स यहाँ पे मिल रहे थे, मुझे इसके अंदर से काफी अच्छे आइटम्स मिल रहे थे। लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात तब आई जब इस वर्ल्ड के अंदर मेरे को पता चला कि नाइट ही नहीं होता। जी हाँ, इस वर्ल्ड के अंदर नाइट ही नहीं हो रहा, और अगर नाइट नहीं हुआ तो भाई ज़ॉम्बी वगैरह स्पॉन कैसे होंगे। और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात थी, क्योंकि अगर ज़ॉम्बी वगैरह स्पॉन ही नहीं हुए तो भाई मेरी एएक्सपी जो होती वो कैसे बढ़ेगी। और मेरे को काफी सारी आइटम्स भी चाहिए थे, वैसे मेरे को यहाँ से मिल तो रहे थे आइटम्स, बट मेरे को ज़ॉम्बीज को भी किल करना था, उससे ज़ॉम्बी का मतलब जो फार्म होता है ना वो बनाना था, तो वो मैं नहीं बना सकता था, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात थी। इस वर्ल्ड के अंदर मुझे काफी सारे रेयर आइटम्स तो मिल रहे थे, लेकिन अभी मुझे पता चला कि भाई इनका कोई वैल्यू ही नहीं है जब आपके पास ना ही ज़ॉम्बी हो ना ही आपके पास कोई एनिमी हो। बस आपको बस यहाँ पे माइनिंग करना है, अपने वर्ल्ड को एक्सपैंड करना है, और बस इतना ही आप कर सकते हो। जो कि मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि ना ही मेरे पास कोई दुश्मन था ना ही जिसको मैं बना सकता था, क्योंकि सारे के सारे आइटम्स तो मेरे पास फ्री ही अवेलेबल थी, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग वाली बात थी। लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी चीज थी जो सबसे ज्यादा रेयर थी, वो थी डर्ट। हाँ सही सुना आपने, डर्ट जो थी वो स्पॉन ही नहीं हो रहा था, और डर्ट अगर स्पॉन नहीं हुआ तो उसके अंदर ना ही मैं फार्मिंग कर सकता हूँ, ना ही अंदर मैं और भी कई सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात थी। तो मैंने सोच लिया था कि अभी मेरे को यहाँ पे एक फार्म बनाना है, जो कि मेरे को ट्री फार्म बनाना था, उसके अलावा मुझे एक हाउस बनाना था, क्योंकि आर्मर की जहां तक बात है तो आर्मर मेरे को यहाँ से मिल नहीं जाता, एंड लगभग मैंने अपने आर्मर को कंप्लीट कर ही लिया था। तो अब मेरे लिए बारी थी कि मेरे को अपना थोड़ा सा वर्ल्ड एक्सपैंड करना है, उसके अलावा मुझे अपना खुद का घर भी बनाना था, तो मैं लग गया अब काम पे। सो यहाँ पे मैंने काफी सारे जो प्लैंक्स हैं वो लगा दिए थे, और अपने वर्ल्ड को यहाँ पे मैं एक्सपैंड कर रहा था, और यहाँ पे मैंने काफी सारे प्लैंक्स तो लगा ही दिए थे। अब बारी थी मेरे को यहाँ पे जो प्लांट मेरे को मिले थे उनको यहाँ पे थोड़ा सा प्लांटेशन करना था, मतलब कि जो मेरे को सैपलिंग्स मिले थे उनको मैं यहाँ पे प्लांटिंग करना था, क्योंकि यहाँ पे वुड भी स्पॉन नहीं हो रहा था और डर्ट भी स्पॉन नहीं हो रही थी। तो मेरे को जरूरी था कि मेरे को यहाँ से अगर मेरे को वर्ल्ड एक्सपांड करना है तो मेरे को यहाँ पे चाहिए था वुड, सबसे ज्यादा वुड, और वुड मेरे पास नहीं था, तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे पेड़ लगा दिए थे। बाकी मैंने अपने चेस्ट को इधर उधर रख दिया था, और यहाँ पे देख सकते हो भाई मेरे पास कितने सारे रेयर आइटम्स मिले हैं, मतलब मैं इस वर्ल्ड के अंदर ना सबसे ज्यादा रिचेस्ट वर्जन हूँ। वैसे मेरे अलावा कोई है भी नहीं, बट हाँ वैसे भी बोलो यार इसके अंदर मेरे को सारे के सारे लगभग आइटम्स है, मतलब यार इतनी मतलब पूरी अमीरी वाली फील आ रही है।
यार मेरे को। सो काफी ज्यादा सोचने के बाद अभी मेरे को फैसला करना पड़ा है कि मेरे को इस वर्ल्ड के अंदर और प्रोग्रेस नहीं करना है। हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, मैं इस वर्ल्ड के अंदर और काम नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर मेरे को हर चीज फ्री में मिल जा रही है और इसके अंदर करने में मजा नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि यार इस वर्ल्ड को ड्रॉप करना ही जरूरी है। वैसे आई नो कि यार तुम लोगों का दिल टूटा होगा, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो यार, वन ब्लॉक सीरीज आने वाली है और उसके अंदर हम लोग हर वो चीज करने वाले जो तुम चाहते हो। हाँ, तुम जो चाहोगे वही होगा वन ब्लॉक के अंदर, बट फिलहाल के लिए इस वर्ल्ड के अंदर मैं और ज्यादा काम नहीं करने वाला हूँ। बाकी यस, अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, वैसे क्या ही पसंद आया होगा, बट हाँ अगर तुम लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड हाँ, याद रखना वन ब्लॉक सीरीज बहुत जल्दी आने वाली है, तो उसका वेट करो यार। उसके अंदर हम लोग उस वर्ल्ड को तो भाई डिलीट नहीं करने वाले, सच्ची बता रहा हूँ। इस वर्ल्ड को मैंने मतलब डिलीट कर दिया है, बट उस वर्ल्ड को मैं नहीं करने वाला हूँ डिलीट। उसके अंदर हम लोग काम करेंगे, सीरीज आएंगी, तो उसके लिए वेट करना। लेकिन तब तक सबको बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।